हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा डन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा इस बार से आपकी ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराई जा रही है, जो कि परीक्षा आपकी 20 अगस्त से होने वाली है। तो जब से ये न्यूज़ मिली है, ये न्यूज़ वैसे काफ़ी सरप्राइजिंग थी। अचानक से आपका जो सीटेट का परीक्षा ऑनलाइन मोड में होता था, अचानक से आपका ऑफलाइन मोड में होने वाला है। तो ये जो ऑनलाइन मोड को लेकर आपके माइंड में प्रेशर था, वो काफ़ी कम हो गया होगा। तो सीटेट का जो आपका ऑफलाइन हो गया है, अब आप पैराग्राफ अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका ऑनलाइन था तो पैराग्राफ पढ़ने में आपको दिक्कत होती थी, लेकिन अब ऑफलाइन में ये चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें आपकी ऑनलाइन की सही हैं तो कुछ चीज़ें आपकी ऑफलाइन की सही हैं, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है कि आप ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने जो गोला फिल कर दिया तो कर दिया, आप उसमें वाइटनर नहीं लगा सकते, आप उसको इरेज नहीं कर सकते, लेकिन ऑनलाइन में आप ये चीज़ें कर सकते थे। तो कुछ चीज़ें ऑनलाइन के फ़ायदे थी, कुछ चीज़ें आपके ऑफलाइन में देखने को मिलेंगी। ऑफलाइन में क्या होता है कि थोड़ा सा बस प्रेशर आपका कम रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी ऑनलाइन ही सही होती हैं। सबका अपना अपना है, मुझे तो ऑनलाइन पेपर पसंद है देना, किसी को ऑफलाइन पसंद है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है, हम लोग चेंज कर सकते हैं ऑप्शन, ये चीज़ें हैं। बट यहाँ पर ऑफलाइन एग्ज़ाम सेंटर को लेकर काफ़ी लोगों में डाउट है कि क्या एग्जामिनेशन सेंटर वो चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब अपने होम स्टेट में अपना एग्जामिनेशन सेंटर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने को लेकर, लेकिन जैसे ये सरप्राइजिंग था, अचानक से आपको नोटिस ये देखने को मिली कि आपका अब परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन होगा, तो मे बी आपका अगर 20 अगस्त को पेपर होने वाला है तो मे बी उससे 10 दिन पहले या 15 दिन पहले आपका पोर्टल ओपन हो सकता है और एग्जामिनेशन आप सेंटर चेंज कर सकते हैं। वैसे एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने के लिए उन लोगों को नोटिस देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग ये सेंटर फुल होने के कारण बहुत जल्दी आपका सेंटर फुल हो गया था, तो उन लोग अपने होम स्टेट में सेंटर फिल नहीं कर पाते। क्योंकि पहले क्या था, आप लोग को पहले जब सीटेट का फॉर्म भराता था तो 3 ऑप्शन देते थे, लेकिन इस बार क्या है, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया जा रहा था सेंटर चूज़ करने के लिए। तो काफ़ी लोग ने मतलब सेंटर फुल होने के कारण अलग कोई पार्टिकुलर स्टेट में अपना फॉर्म फिल कर लिया है। लेकिन यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे ही परेशान हैं जो लोग अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं इस बार, तो क्या उन लोग को मौका मिलेगा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए? तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा गए हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए अगर ऑफिशियल नोटिस आती है, तो अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने को, लेकिन अगर आपका जैसे ही कुछ नोटिस आती है ऑफिशियल सीटेट की वेबसाइट पर, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देने की कोशिश करूँगी। लेकिन अभी कोई नोटिस ऐसी नहीं आई है, तो आप जो सेंटर फिल किए हैं आप वही सेंटर मान के अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको जो भी अदर स्टेट में आपने किया है तो आपको देने जाना पड़ सकता है। अभी कुछ ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको सेंटर बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन अब क्या है ऑफलाइन हो गया है, तो ऑफलाइन जो आपका एग्ज़ाम होता है वो आपके गवर्नमेंट स्कूल में ही होते हैं, तो उनको चेंज करने के लिए नोटिस देना चाहिए कि आप अपने होम स्टेट में एग्ज़ाम दे पाएँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग तैयारी करते रहिए, 20 अगस्त का आपका परीक्षा होने वाला है, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से करिए। आई होप आप लोग का इस बार अच्छा पेपर होगा, जैसे मेरे भी 120 प्लस आए थे, आप भी 130 प्लस भी ला सकते हैं। आप अच्छे से पढ़िए, पेपर दीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई नोटिस आती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करूँगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।